अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। आई होप आप मेरी आवाज़ अभी सुन पा रहे हैं। वालेकुम सलाम टू एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था अभी तक। आई होप अब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेज जी। स्टार्ट करते हैं जी, आज की हमारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन अपने ट्रेडिशनल वे में स्टार्ट करेंगे जी, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक छोटी सी दुआ से, रब्बना ज़ुलम ना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पे कायम रखे और हमारा शुमार खसारा पाने वालों में ना हो जी, आमीन। अच्छा जी, आज की ट्रेनिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी मच रेलेवेंट टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर। आप जब आपके पास अपनी टीम होती है, हमने कल की ट्रेनिंग में दो चार चीजें डिस्कस की थी और हम इसको उसी सीक्वेंस में लेके आगे आगे की तरफ चलेंगे। हमने देखा था कि जब आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जानते हैं तो डिफरेंट रोल्स के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है। जस्ट लाइक के लाइफ में आपके डिफरेंट रोल्स होते हैं, एज अ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आपका आपका डिफरेंट रोल होता है और उसी लिहाज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होती रहती हैं आपके रोल के लिहाज से। इसी तरह हमने ओरिफ्लेम में जो आपका रोल होता है उसको देखा था और हमने बात की थी मैनेजर्स की, जिनके 12% एंड अबव लोगों की, या ऐसे लोग जिनके पास टीम्स हैं, या ऐसे लोग जिनके अंदर पोटेंशियल है मैनेजर बनने का और वो जल्दी ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में हमने बात की थी। आपने अपने साथ साथ अपनी टीम को भी गाइड करना होता है और उनको डेवलप करना होता है, और डेवलपमेंट के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लानिंग करें। अभी तो प्लानिंग है कि आप किस तरीके से प्लान करते हैं अपने सक्सेस पाथ को, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। हम ना सिर्फ ये प्रेजेंटेशन देखेंगे, ये प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा है जो हमारे पास लैम का मॉड्यूल 1 है, लेकिन आज हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि आप किस तरीके से आप अपनी टीम के और अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, यानी कि ओरिफ्लेम में एक्चुअली आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग में ये भी देखा था कि बहुत से लोगों को अपने लाइफ में वो क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, उनके क्या गोल्स हैं, उनको इस चीज के बारे में नहीं पता होता। इनफैक्ट बहुत से लोग ख्वाब भी नहीं देखते। अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे मैं मिक्रा कह रही हैं कि आवाज को थोड़ा शायद प्रॉब्लम आ रहा है। कैन यू कंफर्म कि इफ आई एम ऑडिबल, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? आ रही है। फिर मैं मिक्रा प्रॉब्ली उनके एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि आप जब एक रोल में होते हैं एज अ मैनेजर और आपके पास एक टीम होती है और आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपने उनको ग्रो करवाना है, तो आप उनको ख्वाब देखना भी सिखाते हैं। और ओरिफ्लेम के अंदर आप जब ग्रो करते हैं और आप जब अपना गोल सेट करते हैं तो ओरिफ्लेम आपको सजेस्ट करता है कि आपका पहला गोल, पहला टारगेट गोल डायरेक्टर का होना चाहिए और आपको उस लिहाज से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों होना चाहिए गोल डायरेक्टर? क्योंकि गोल डायरेक्टर इज अ टाइटल जहां पे जाके आप बहुत सारे पर्क्स को और एक स्टेबल इनकम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आप ओरिफ्लेम को बहुत क्लोजली देख सकते हैं, आप ओरिफ्लेम के इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, साथ साथ जो उनसा है आपकी इनकम और बेतहाशा पर्क्स और कैश अवार्ड्स और मेनी अदर बेनिफिट्स आपको साथ साथ मिल रहे होते हैं। तो गोल डायरेक्टर शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है? आप किस तरीके से आगे जाना है, आपने क्या क्या स्टेप्स, आपने सर्टन स्टेप्स मंथ वाइज लेने हैं या आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, ये चीजें आप जो उनसी हैं यहाँ से सीखते हैं, ठीक है? आप अपने लिए गोल सेट करते हैं और आप प्लानिंग करते हैं जी। मेरे पास कंटिन्यूसली लोग एंटर हो रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा लैग आ जाता है बाजूकात मेरे पास स्क्रीन में, तो उसके लिए मेरे साथ ताउन कीजिएगा। ये देखिएगा जी, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल, इंटरमीडिएट गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। आप सबसे पहले अपना गोल सेट करते हैं। ये कैसे करना है ये मैं भी आपको स्क्रीन पे करके भी दिखाऊंगा,
आई वुड नीड अ वॉलंटियर हियर एज वेल, जो जिनके गोल्स के ऊपर हम काम कर सकें, उनके लिए हम एक प्रॉपर प्लान बना सकें, क्योंकि जब हम एक दफा प्लान बनता हुआ देख लेंगे फिर हम अपने बाकी लोगों के लिए भी प्लान बना सकेंगे और अपने लिए भी प्लान बना सकेंगे। तो आप जब भी अपना कोई गोल सेट करते हैं, आप इसको बैकवर्ड जोन से कनेक्ट करते हुए अपने गोल्स को फिर सेट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म भी होते हैं, इंटरमीडिएट भी होते हैं और शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं, जो कि फाइनली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, या आपका जो फर्स्ट लॉन्ग टर्म गोल सेट की होता है उसकी तरफ आपको लेके जाते हैं। तो नोट कीजिएगा, हमारे पास जो गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं, इंटरमीडिएट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। अगर हमने शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करनी है, वो हमारे एक हफ्ते के, एक दिन के, चार दिनों के, वो किसी भी ड्यूरेशन के हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली एक महीने से कम के होते हैं। जो इंटरमीडिएट गोल्स होते हैं वो 6 माह के अराउंड होते हैं और 1 साल से कम होते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल 1 साल या 1 साल से ज्यादा के होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो उनसे हैं, 3 तरह के गोल्स होते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल भी स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं, गोल डायरेक्टर बनने के लिए एक दी गई है, जिसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म गोल जोन है, दैट इज टू बिकम गोल डायरेक्टर, ठीक है, और आपका जो मिड टर्म या इंटरमीडिएट आपका जो गोल है वो आपका जोन सा है वो डायरेक्टर बनना है, और आप शॉर्ट टर्म गोल में मैनेजर बनना चाह रहे हैं। इवन कि अगर आप मैनेजर नहीं है तो भी आप इस टाइटल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी हमने देखा है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, इसको हम कैसे प्लानिंग पे यूज कर सकते हैं अपनी, इसको हम आगे चल के मजीद देखेंगे प्रैक्टिकली भी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं तो आप उससे पहले डायरेक्टर बनेंगे, उससे पहले आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर डायरेक्टर और फिर गोल डायरेक्टर बनते हैं जी। सो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। तो 12% से जो आपका 21% और 2 स्प्लिट्स का सफर होता है, इसमें आपको बेतहाशा अप्स एंड डाउन, बेतहाशा चीजें सीखने को मिलती हैं, कंटिन्यूसली आपको छोटे छोटे सक्सेस मिल रहे होते हैं, रिकग्निशन मिल रही होती हैं, कैश अवार्ड्स भी मिल रहे होते हैं, लेकिन जब आप गोल डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपके पर्क्स थोड़े ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, और मोस्टली गोल डायरेक्टर्स जो उनसे हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, वो कहते हैं ना ड्रीम डेस्टिनेशंस के ऊपर, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग को भी आप जो उनसे हैं उसके लिए एंटाइटल्ड हो जाते हैं, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं हमारा गोल कॉन्फ्रेंस का क्राइटेरिया। दैट इज वेरी इजी अगर आप गोल डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है जी। तो अब ये करना कैसे है, किस तरीके से आप अपने गोल सेट करते हैं, इसके हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। आपके साथ स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर हम किसी एक वॉलंटियर के गोल्स, कोई भी गोल्स कैन बी इन ओरिफ्लेम, कोई भी टारगेट हो सकता है आपका, आपका जिंदगी का कोई भी ख्वाब हो सकता है, आपका रिलीजियस और स्पिरिचुअल ड्रीम के अलावा अगर कोई भी ख्वाब है तो आप में से एक वॉलंटियर मुझे चाहिए होगा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपके माइक्स को, एक वॉलंटियर मुझे चाहिए होगा जो कि अपना मुझे गोल बताएगा वो लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहा है। तो मैं ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से आई विल ट्राई कि मैं उनके लिए वो एक प्लान बना सकूं जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और उसके बाद जो उनसा है उनका एंड गोल जो वो अचीव करना चाह रहे हैं उसको वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने ख्वाब को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उस चीज को भी हम देखेंगे और उसको हम प्रैक्टिकली तौर पर उनके लिए एक प्लान बनाएंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अनम्यूट योर माइक्स, आई नीड 1 वॉलंटियर ओनली जो सबसे पहले मेरे साथ बात कर लेंगे, मैं उनके ख्वाब जो भी उनका मकसद होगा उस चीज को जो उनसा मैं पूरा करने के लिए उनके लिए एक प्लान बना दूंगा, और बाकी सब उस प्लान को देख के जो उनसे है वो अपने लिए प्लान बना सकेंगे और अपनी टीम्स के लिए प्लान बना सकेंगे। ठीक है जी। तो आई नीड अ वॉलंटियर हियर, और आप लोगों के माइक्स जो उनसे हैं, यू कैन अनम्यूट योर माइक राइट नाउ अगर आप करना चाहें तो। और आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैं मेरा आप माशाल्लाह ऑलरेडी गोल्ड है, आई नीड समबडी वॉलंटियर, वो वाला जो के अभी ग्रोथ कर रहे हैं हासिल, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, समबडी माशाल्लाह माशाल्लाह, और ऑलरेडी ऑन ट्रैक आपके साथ, तो मैं बीपीएस भी कर लेता हूँ, तो आई नीड समबडी जो के और नए हो जिनके लिए हम एग्जाम्पल सेट कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मेरा लाइफ का ड्रीम है कि मेरी खुद की फरारी कार हो। अच्छा, फरारी कार हो, जबरदस्त। अच्छा, वैसे मैं आपको फरारी कार का प्लान बना, मैं मेरा कि मैं अपनी इनकम का प्लान बना के दे सकता हूँ, लेकिन वंस अगेन यू आर ऑलरेडी सीनियर मैनेजर, आई नीड समबडी जो कि 12% कोई मैनेजर मुझे चाहिए बेसिकली।
या मैनेजर इवन के 9% पे भी हो 6% पे, उनको मौका दें बोलने का, अगर उनको फरारी कार चाहिए, मेक अ प्लान फॉर देम। आपका कोई भी गोल आप मेरे साथ वो शेयर करें, I'll make a plan for you. और अपने अभी आपने recently join किया है, बिल्कुल जी सर, रिसेंटली ज्वाइन किया है, आज फर्स्ट मीटिंग है। फर्स्ट मीटिंग है, दैट इज वंडरफुल जी। अच्छा, बाकी सब लोग जोन्स हैं, ये देखिए हमारे पास एक नए जोन्स ही हैं, वो एक कंसल्टेंट है। देखिए जब भी हमें कोई कंसल्टेंट, कोई भी ब्रांड पार्टनर ज्वाइन करता है, उसके उनके माइंड में कोई ना कोई चीज होती है, कोई ना कोई ख्वाब होता है, कोई मकसद होता है। उस मकसद को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हम अपने ये नए कंसल्टेंट, अपने नए ब्रांड पार्टनर के जरिए सीखेंगे आज। और थैंक यू वेरी मच ऑल द सीनियर्स फॉर कोऑपरेटिंग। आई नो कि आपने पहले बात की थी, लेकिन आई नीड समबडी जो कि नया या एटलीस्ट यानी कि मैनेजर लेवल तक के लोग अगर मुझे मिल जाते हैं, तो हमारे पास मैम आसमा है। मैम आसमा हमारे साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट इज योर टारगेट, आपका गोल क्या है, ताकि हम उसके लिहाज से आपको प्लान बना दें। एक बहुत सही, मैं ये चाह रही हूँ, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। मैं ये चाह रही थी कि मतलब बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पे हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, उसके बाद उनके साथ मिलके हम काम कर सकें, हम अपने इस प्रोडक्ट को बूस्ट अप करें और ज्यादा। जी जी मैम आसमा, दैट इज वंडरफुल। मैं आपसे इस टाइम बिजनेस की बात नहीं कर रहा, आप अपना ख्वाब शेयर करें, अपना गोल सेट करें, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ, आप जिंदगी में फॉरगेट अबाउट ओरिफ्लेम राइट नाउ, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाह रही हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको इसका आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैं आपको कल बता दूंगी। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। सोचिएगा जरूर मैम आसमा, आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा आप लाइफ में क्या करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम मैम फरवा, मैम फरवा ने अभी बात करी थी, मैम फरवा बोलिएगा। जी सर, मेरे गोल्स हैं और बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह करे कि पूरे हो जाएं। दैट इज वंडरफुल मैम फरवा, मुझे एक बता दीजिएगा जिसका हम प्लान बना सके, वो चीज जो कि आपको बहुत एक्साइट करती है, जिसके लिए आप पैशनेट हैं और आपको लगता है कि ये होनी चाहिए, आप अचीव करना चाहिए। वो ये सबसे पहले जो यही चीज होगी जो बाकी सारे गोल्स को फिर इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे मेरे, तो वो यही है कि मेरे पास इतना हो कि मैं कभी कोई चीज खरीदने या कोई भी स्टेप लेने से पहले मुझे किसी की ये ना हो कि पीछे क्या रह जाएगा या कोई क्या कहेगा, और मतलब मैं कर लूं वो काम अपनी मर्जी से। अगर मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ, मतलब कुछ कोई इस तरह से कोई घर लोन लेना चाहती हूँ, कोई गाड़ी या ये बाहर के टूर्स करना चाहती हूँ, तो इतना मेरे पास हो कि मुझे सोचना ना पड़े कल के लिए। जबरदस्त मैम फरवा, अब आपने मेरे साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहना है, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू फोकस ऑन दिस, जो मेरी और मैम फरवा की कन्वर्सेशन होने के लिए जा रही है। मैम फरवा ने अभी बताया मुझे कि वो लाइफ में बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाह रही है, यानी कि वो कोई काम करना चाहे तो उनको प्रॉब्लम ना हो। नाउ जब भी फर्स्ट रूल ऑफ सेटिंग अ गोल इज, या किसी भी ख्वाब या मकसद को डिसाइड करने के लिए आपको प्रिसाइजली डिसाइड करना पड़ता है। अब मैम फरवा कह रही है उनके पास पैसा हो और लेकिन उनको उसकी कमी ना हो, वो जो काम करना चाहे वो कर सकें, ठीक है। अब इसके लिए वी हैव टू बी स्पेसिफिक कि वो पैसा कितना है, कितना पैसा अर्न करना चाहती है मैम फरवा। आप एक रेगुलर इनकम हासिल करना चाह रही हैं क्या? हाँ जी, मतलब रेगुलर, आप, मतलब आप, रेगुलर भी हो, बहुत ज्यादा आता जाए, ठीक है। आप कितनी इनकम, यू हैव टू बी प्रिसाइज, कितनी इनकम आप हासिल करना चाह रही है, कितने पैसे को आप कहते हैं कि सफिशिएंट होगा आपके लिए। आई नीड टू बी यू नो प्रिसाइज, मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा फिर मैं आपके लिए प्लान बना सकूंगा। पैसा एक ऐसी चीज है कि जो जितना भी होना उतना कम लगता है, ठीक है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उतने में रखे कि लालच भी ना हो और जो है ना आपकी ख्वाहिशें और जरूरतें भी पूरी होती जाए। दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज वंडरफुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पैसा जितना भी हो वो कम होता है, लेकिन जब हम गोल सेट कर रहे होते हैं वी हैव टू बी स्पेसिफिक। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ऑलवेज बी स्पेसिफिक कोई भी गोल के लिए। तो आई नीड एन अमाउंट, मुझे बताएं आपको मंथली इनकम अच्छी चाहिए या आपको ओवरऑल को इकट्ठा कैश चाहिए, व्हाट डू यू प्रेफर? मैं आपके लिहाज से मंथली इनकम चाहिए। ग्रेट, आप अच्छी इनकम आप किसको कहती हैं मैम फरवा? क्या 50,000 को, 1,00,000 को, 2,00,000 को, 4,00,000 को, 5,00,000 को? 2,00,000 बहुत होगा। अच्छा 2,00,000। अच्छा मैम फरवा, सबसे पहले आपको क्लियर मैं एक चीज बता दूं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं जी, 2,00,000 रुपए अर्न करने वाले वी हैव मल्टीपल पीपल इन ओरिफ्लेम, ठीक है, प्रोबेबली दे आर इन हंड्रेड्स,
ठीक है, 2 लाख रुपए अर्न करने वाले लोग होते हैं, इससे ज्यादा के बेनिफिट्स अगर मैं इंक्रीज करूँ तो इट्स वेरी इजी कि आप इतनी इनकम को यहाँ पे अचीव कर सकें। हमारे पास इससे बहुत ज्यादा हाई इनकम लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अचीवेबल गोल। पहली चीज जो है याद रखिएगा, किसी का भी आपने जो गोल सेट करना है आपने देखना है कि वो गोल रियलिस्टिक है या नहीं है। अगर तो वो गोल रियलिस्टिक नहीं है तो फिर यू हैव टू मेक इट रियलिस्टिक फर्स्ट, ठीक है, एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज इन दिस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहां पे हम प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं जी मैम फरवा के लिए, और हम शेयर करेंगे कि वो किस तरीके से जोन्स है अपनी 2 लाख रुपए महीने की इनकम को अचीव कर सकती है, ठीक है। इसके लिए आपने किस तरीके से इसकी प्लानिंग करनी है हम उस चीज को देखेंगे जो कि आपको हेल्प करेगी आपके नए लोगों को और अपना प्लान बनाने में। तो गोल रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, एंड वी हैव मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी अचीव भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, ठीक हो गया जी। मैम फरवा, मुझे आपका अभी थोड़ी सी मजीद डिटेल्स चाहिए होंगी, आई होप यू आर इन टच एंड यू कैन हेयर मी, आप अभी मेरे से लाइन पे ही हैं जी। मैम फरवा, कैन यू हेयर मी? हेलो जी। जी मैम फरवा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ जी, जी सर, जी सर। अच्छा मैम फरवा, आप मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आपका करंट टाइटल क्या है। यहाँ पे मैं 3 चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहली चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ पहले, ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए और आप लोगों को नजर आ जाए बिल्कुल क्लियरली ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपका हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से होते हैं, अभी हम उसकी बेस के ऊपर सारा सेट करेंगे ये, ठीक है। शॉर्ट का मतलब है शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, और ये है जी इंटरमीडिएट, इंटर का मतलब इंटरमीडिएट गोल्स, और उसके बाद आ गया जी आपका लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म गोल है जी क्या, 200,000 की इनकम को अर्न करना पर मंथ। ये हम कैसे अचीव करेंगे इसकी डिटेल्स हम जोन सी है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और ये प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा, आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको, लेकिन मैं इसका साइज फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली नजर आ सके लोगों को जी। तो 2 लाख रुपए की इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाता है और कैसे हासिल किया जाता है, आज हम ये चीज देखेंगे ओरिफ्लेम के अंदर। सबसे पहले मैम फरवा, मुझे बताएं कि आपका करंट स्टेटस क्या है, व्हाट इज योर करंट टाइटल? 15% मैनेजर। अच्छा माशाल्लाह, आपने तो चीजें बहुत आसान कर दी हैं। ये देखिएगा जी, 15% मैनेजर हैं जी हमारे पास। 15% मैनेजर जो उनसे होते हैं वो हमारे पास कब बनते हैं? हमारे पास 15% मैनेजर बनते हैं जब आपके ग्रुप बीपीस 4,000 से लेके 4K से लेके और 6599 तक के दरमियान होते हैं, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखी है, ये हमारे स्टेटिस्टिक्स है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम करंटली कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो हमारा जोन सा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर 15% टाइटल है, ठीक हो गया जी? जी, और ये है जी फॉर मैम फरवा। अच्छा मैम फरवा, मुझे ये बताइएगा, अब सबसे पहले जब भी आप सक्सेस जर्नी स्टार्ट करते हैं या कहीं पे भी सफर का आगाज करते हैं, आपको इक्विप होना पड़ता है, आपकी जरूरियात की कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको, आपके पास अगर ना हो तो फिर आपको सफर में दुश्वारी आती है। जैसे आपको नॉर्मल ट्रेवल करते हैं इसी तरह आपका सक्सेस जर्नी होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सक्सेस जर्नी है जी ये, साथ साथ हम इसको रियल टाइम पे कर रहे हैं ताकि लोग इसको समझ सकें। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि दिस इज सक्सेस जर्नी जिसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो कि मैम फरवा का है जी, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में विद ड्यू रिस्पेक्ट लिख देते हैं जी फरवा फॉर रेफरेंस जी, ठीक हो गया जी? जी सर, थैंक यू। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा मैम फरवा, आपको ओरिफ्लेम के बारे में, जैसे मैंने बताया कुछ जोन्स ही आपके पास चीजें होनी चाहिए, कुछ टूल बॉक्स होनी चाहिए, आपके पास एक टूल किट होनी चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या है जी आपके पास टूल किट की रिक्वायरमेंट? कि क्या आपके पास ओरिफ्लेम के सिस्टम का नॉलेज है, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, क्या आपने ओरिफ्लेम की बेसिक ट्रेनिंग जिसमें स्टेप 1 स्टेप 2 आती है, लैम के सारे मॉड्यूल्स आपने अटेंड किए हैं, सारपीओ आपको पता है क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता, ठीक हो गया, दैट इज वेरी वेरी गुड कि आप ऑनेस्ट हैं, आपने इसके बारे में ऑनेस्ट आंसर दिया है। फर्स्ट आपको सिस्टम अंडरस्टैंडिंग चाहिए,
आपको सीआरपीओ को समझना है, ठीक है? अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रही हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड सीआरपीओ, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है फर्स्ट। सेकंड, जो आपको चीजों का पता होना चाहिए, जो कि आपके पास होनी चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट नॉलेज। आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, अदरवाइज आप पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले सिस्टम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपने अगर गोल डायरेक्टर बनना है या आपने अबव जाना है, 2 लाख इनकम को अचीव करना है, सो दिस इज मैंडेटरी थिंग्स, ये आपकी टूल किट में ये चीजें होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है देन यू नीड टू ब्रिंग इट, ठीक है? जब आप इन चीजों को समझ लेंगी तो आप अपने लिए और बाकी लोगों के लिए भी प्लान बना सकेंगी, ठीक है? अब आप हमारे दोबारा एंड की तरफ, 2 लाख रुपए की इनकम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ठीक है? सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है वो होती है 21% टाइटल। वो आपका डायरेक्टर पे भी यही होता है 21%, यानी कि आपका जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कमीशन होता है दैट इज 21%, ठीक है? जो कि आपका सीनियर मैनेजर के टाइटल पे आपको मिलता है, यही 21% आपका गोल्ड पे ही रहता है, डायमंड पे भी यही रहता है, कमीशन इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो 2 लाख रुपए की इनकम को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको हाईएस्ट टाइटल पे पहुंचना है, इसका मतलब है कि एसएम आपको बनना ही बनना है 2 लाख रुपए की इनकम पे, ठीक हो गया जी? आप जब आप एसएम बन जाते हैं, ठीक है, तो आपकी इनकम तो 50,000 भी हो सकती है और आपकी इनकम जोन सी है वो 500,000 भी हो सकती है जी। लेकिन वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? ये डिफरेंस क्रिएट होगा जब आपके पास फर्स्ट लाइन में ज्यादा लोग होंगे जी। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। ओरिफ्लेम में इनकम का सोर्स क्या है? एक तो इमीडिएट प्रॉफिट है, वी आर गोइंग टू फॉरगेट अबाउट इमीडिएट प्रॉफिट, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग बेसिस के ऊपर, सो वी नीड अ रिलायबल सोर्स जो कि कमीशन हो सकता है। कमीशन आपको किससे मिलता है? अपने ऑर्डर पे मिलता है और अपनी टीम से मिलता है, टीम, हाँ जी, ठीक हो गया? जब आप 21% पे होते हैं ना, ये जरा मेरा पॉइंट नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये मैं आपको किस बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है। जब आप 21% पे होते हैं तो एक शख्स जो कि आपके पास 6% वाला एड होता है ना, 6% वाला या 3% वाला, ठीक हो गया जी सर? तो ये एक शख्स आपको 6% वाला तकरीबन 6,000 से 8,000 जी, 6K to 8K, और जो सा है 3% वाला वो आपको 3K 3,000 से लेके 5,000 रुपए तक का कमीशन देता है जी, ठीक हो गया जी? जी सर। अगर हम बात सिंपल करते हैं 6% वाले लोगों की या 3% वाले लोगों की, एक वे हमारे पास ये है कि हम 35 लोग ऐड कर लें 3% और 6% वाले अपनी फर्स्ट लाइन में जी, ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि अगर हम 35 को मल्टीप्लाई करते हैं लेस से एज एन एवरेज 6,000 से, ठीक है, एज एन एवरेज अगर हम बात करते हैं 35 लोगों की, तो हमारे पास ये बनता है जी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 35 मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो ये बन जाता है 2,10,000। एक वे तो ये है कि आप सबसे पहले 21% टाइटल पे पहुंचे जी सर, उसके बाद साथ ही आप अपनी फर्स्ट लाइन में लोगों को ऐड करना शुरू कर दें जी, ठीक है? हर शख्स के ऊपर आपकी 6,000 रुपए की इनकम ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अभी 35 लोगों को ऐड करना आसान काम नहीं होता जी, ठीक है जी। एक और काम हम कर सकते हैं, वो ये काम हम कर सकते हैं कि आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर हम सिर्फ 8 लोगों को ऐड कर दें, सिर्फ 8 लोगों को ऐड कर दें, आपका टाइटल 21% हो, और ये 8 लोग जो उनसे हैं ये आपके पास 12% अबव हो, सारे के सारे 12% प्लस हो 8 लोग। अब अगर आपने ओरिफ्लेम में 2 लाख रुपए की इनकम पर मंथ स्टेबल तौर पे अर्न करनी है तो ये आपके पास चॉइस है, ये 8 से 10 लोग भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैकेज। अगर आप ये चीज अचीव कर लेती हैं, ये जो मैं इसको ग्रीन हाईलाइट करूंगा, क्या हाईलाइट करता हूं, चलो मैं इसको ग्रीन हाईलाइट करता हूं, इस पे फोकस करें। नाउ अगर आपने अपनी इनकम को 2 लाख से ऊपर लेके जाना है तो आपके पास ये चॉइसेस है, ठीक है? 8 to 10 लिख देता हूं, वो डेट आ गई है इसके ऊपर, 8 to 10 भी,
आपको क्या आसान लगता है इनमें से, क्या चीज आसान है? या आप दोनों को पैरेलल लेके जाना चाहें, आपकी मर्जी है। ये जो 8 से 10 लोग होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कोर टीम। और हमारे पास बेतहाशा ऐसे लोग हैं ओरिफ्लेम के अंदर जो कि जितनी इनकम आपने टारगेट की ऐसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डूएबल, और अचीव करने के लिए मिनिमम आपने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अभी आप है 15% पे, दिस इज वेरी वेरी मच डूएबल। अभी आपके पास कितने लोग मौजूद हैं जो कि 12% अबव है, ये बताइएगा। अभी तो एक ही है जो 12% पे आई है, और उससे जो डाउन है वो 9% पे है। इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने हमें, क्या आप अपनी एवरेज इनकम बता सकती हैं? यू डोंट हैव टू टेल द एग्जैक्ट, just tell me the average income. क्या आपकी average income? 10,500. 10 to 15,000 कह रही हैं आप? 10,500. 10,000. Average income. हाँ जी। अच्छा, आपकी income जो है वो काफी कम है, 15% जोन से है ना टाइटल पे जब आप जाते हैं तो आपके पास, इसका मतलब है फर्स्ट लाइन में लोग बहुत कम है। हाँ जी, यही बात है। आपके पास कितने लोग हैं फर्स्ट लाइन में? फर्स्ट लाइन में सर मैंने कितनों को हायर किया है, वो ऑर्डर्स ही नहीं, जिस तरह से वो लोग इतने होते हैं शुरू में, बहुत ज्यादा हम करेंगे, पैशन होता है उनमें। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम इसका ब्रीफ आंसर लेंगे अभी आपका। अभी कितने लोग हैं ये बताएं, आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करते रहिएगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करवाना। अभी कल की ट्रेनिंग में हमने इसको डिस्कस किया कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस करवाते हैं, इसी बात में। दो लोग हैं जो जस्ट एक्टिव है, उनमें से एक 12% पर है और एक 9% पर है। अब आप ये देखिएगा, जब आपके पास बड़े टाइटल पे लोग होते हैं और कम होते हैं ना, इट मींस कि ज्यादा काम वो कर रहे हैं जी। ये अपने माइंड में चीज रखिएगा, और इसके अंदर आप किसी भी टाइम पे डिफॉल्ट पे जा सकती हैं। अगर किसी का भी आपकी फर्स्ट टाइम के अंदर टाइटल आप जितना हो जाता है तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं, एट मीन्स करंटली आपका टाइटल एट रिस्क है। और इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करें। ठीक है जी, चले जी वापस आते हैं हम अपने इधर टॉपिक की तरफ, कि हमारे पास जोन से हैं 35 या 3 से 6% वाले लोग, या 8 से 10 हमें लोग चाहिए हमारे कोर टीम मेंबर्स, जिनसे हम 2 लाख रुपए की अपनी इनकम बना सकते हैं। और जब हमारा टाइटल 21% है, हाईएस्ट कमीशन टाइटल जो उनसे होता है वो एसएम टाइटल होता है 21%। तो इसके लिए आपने करना क्या, पहले हमने देखा था हमें सिस्टम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें हमें पता चल गया। अब आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? सबसे पहले टारगेट अपना याद रखिएगा। अब आपका टारगेट 2 लाख नहीं है, 2 लाख ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका टारगेट है लोगों को ऐड करना और अपनी कोर टीम बनाना। इसके लिए सबसे पहली चीज, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म गोल होता है 1 मंथ का, जो कि 1 मंथ से कम का होता है। वो पहला गोल आपका, मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो ये है कि अंडरस्टैंड सिस्टम। ये आपका पहला गोल है, ये आपका पहले मंथ के अंदर ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, कि आपका सिस्टम अंडरस्टैंडिंग जोन सी है, दैट इज मैंडेटरी। सेकेंड चीज, आप सिस्टम अंडरस्टैंडिंग के बाद फोकस ऑन रिक्रूटमेंट प्रोस्पेक्टिंग। मेरे पास यहाँ पे कुछ लोगों के माइक्स जोन से हैं, मसला कोई नहीं पड़ा, मैं भी फिलहाल उनके माइक्स म्यूट करके, मैम फिर आपको मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ। ठीक है जी सर, जी सर। अभी अभी चले, जबरदस्त हो गया जी। ठीक है, अभी दोबारा अगर अनम्यूट होंगे तो फिर मैं करता हूँ उसके बारे में डिफरेंट चीज, आसानी पैदा करने के लिए। अच्छा जी, अब हम आ गए जी, अंडरस्टैंडिंग आ गई, फोकस ऑन प्रोस्पेक्टिंग। अब आपने प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करना है। जब आपके पास सिस्टम अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे है। फिर आप जब ये सिस्टम अंडरस्टैंडिंग कर रही होंगी ना, एक तो आपको प्रोस्पेक्टिंग का भी पता चलेगा, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोर टीम कैसे बनती है जी सर। ठीक है, आप लोगों को कैसे डेवलप करते हैं। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर जो कि आपका पहले मंथ का गोल है, ठीक है, वो ये है कि आपने कम से कम 10 लोगों को 30 डेज के अंदर जोन से है वो अप्रोच करना है। ठीक है जी, जिनको आप ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएंगी, या आप उनको नॉर्मल कंज्यूमर बनाने की तरफ काम कर रही होंगी। अप्रोच 10 इंडिविजुअल्स और उनके रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करें। ठीक है, कि कैसा रिस्पॉन्स है। अब आप मुझे ये बताइएगा, यहां से मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, बाकी की चीजें मैं आपकी सेट करूंगा जब मुझे पता चलेगा कि हमारे पास डेडलाइन क्या है। ये लॉन्ग टर्म गोल जो है आपका, ये कब अचीव करना चाह रही है? बी ऑनेस्ट, बी लॉजिकल। क्या 1 साल में, 15 महीने में, या 18 महीने में, कितनी देर में आप इसको अचीव करना चाह रही है? आपका टारगेट क्या है? ये आप 2 लाख रुपए की इनकम को
ये मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और मेरा यही है कि अल्लाह करे कि अप्रैल आने तक मैं यानी ये अच्छी इंकम कर लूं ठीक हो गया। आप ज्वाइन। चाह रही हैं कि अप्रैल में ज्वाइन किया था, ये आपका 1 साल का हम गोल सेट करें, ठीक जी हो गया। अभी देखिएगा जी, आप कह रही हैं कि आपने 12 मंथ्स में तकरीबन इस गोल को अचीव करना है, ठीक है। वैसे अगर हम अभी से बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट अक्टूबर पे जी बात जाती है, क्योंकि अभी आप काम अच्छा स्टार्ट करेंगी तो उस लिहाज से आपके 12 मंथ्स आ सही जाएंगे, ठीक और ठीक लॉन्ग टर्म गोल होता भी 12 मंथ्स का मिनिमम, ठीक ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 मंथ्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम 6 मंथ की बात कर लेते हैं। 6 मंथ पे आपको क्या होना है, और ये आपका राइट नाउ जो करंट सिचुएशन है, ये आपकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है 15% से, ये 0% से भी स्टार्ट हो सकता है बाय द वे। जी जब आप 10 रिक्रूट करेंगी फर्स्ट मंथ के अंदर, ये आप कह रही फर्स्ट मंथ, यहाँ पे मैं जी 12 महीने लिखने लगा हूँ कि आपने 12 महीने में क्या क्या करना है। आप ये चीजें कर लें, अल्लाह ने चाहा तो आपका जो उनसा ये टारगेट अचीव हो जाएगा। यहाँ पे मैं मंथ लिख रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर ये 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये 12 मंथ्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं इनको हाईलाइट भी कर जी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये नंबर ऑफ मंथ्स है, और आपने हर मंथ में क्या क्या चीजें करनी है अपने 2 लाख रुपए की इनकम को जो उनसे अचीव करने के लिए, ठीक है। जी सर तो पहले मंथ के अंदर आपने क्या किया, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपने अंडरस्टैंड किया सिस्टम को कि ओरिफ्लेम का सिस्टम क्या है। दूसरी चीज आपने क्या किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस किया और आपने 10 नए लोगों को अप्रोच किया। नाउ दिस इज योर लर्निंग कर्व, जो पहला मंथ होगा ना वो आपका लर्निंग कर्व होगा। प्रोडक्ट नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। जी आई होप कि आप जोन चाहिए अंडरस्टैंड कर पाइए फर्स्ट मंथ का टारगेट, ठीक है। अब आ गया आपका सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में आपने क्या करना है, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। आपने जी सेकेंड मंथ के अंदर एक काम करना है, पिक फ्यू पीपल, ठीक है। ये एक भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, 1 और 2 फ्रॉम योर करंट नेटवर्क, अपनी फर्स्ट लाइन से, इन डेप्थ नहीं, फर्स्ट लाइन से जी एक या दो लोगों को पिक करें जिनको आपने कोर टीम का हिस्सा बनाना है, एक्सक्यूज मी, ठीक हो गया जी। ये आपकी पहली चीज आ गई नेक्स्ट मंथ के। फिर इसके बाद जी आपने वंस अगेन फोकस करना है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी, प्रोस्पेक्ट आपने करना है, लेकिन इस दफा आपने प्रोस्पेक्टिंग के अंदर 20 नए लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। सिर्फ टारगेट की बात कर रहा हूं मैं, जी ठीक हो गया। पहले महीने में आपने जी 10 को किया था, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के अंदर आप 20 को करेंगे। इसके बाद आपके पास सर एक और आपने एक्टिविटी करनी है, वो ये करनी है कि आपने अपनी जो कोर टीम के एक दो लोगों को डेवलप किया था उनको ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना सिखाएं और अटेंड करें जी उनके साथ साथ ट्रेनिंग्स। अटेंड करनी तो आपने पहले है, पहले महीने में आपने ओरिफ्लेम की पूरी एकेडमी अपने फिंगर टिप्स पे ले आनी है अपनी। सक्सेसफुल होने के लिए कुछ करना जी पड़ेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये आपके पास आ गया जी कि जी आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है साथ साथ, और आपके टीम मेंबर्स ने भी, जो आपने 2 लोग सेलेक्ट किए, ठीक है। सर यहाँ पे मैंने 2 सिर्फ साइन के लिए लिखा है, आप इसको पेपर पे बनाएंगी, आपके पास बेतहाशा जगह होगी, मेरे पास स्क्रीन पे जगह कम है। जी सर मैंने बना रही हूँ अच्छा जबरदस्त। उसके बाद आ गया जी हमारे पास थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में आपने क्या करना है जी, थर्ड मंथ में आपने ये जो आपके पास 2 लोग हैं, प्रोस्पेक्टिंग आप 20, पहले आपने 10 की थी फिर आपने 20 की है, इस मंथ आपने मजीद 2 लोगों को पिक करना है, 2 से 3 लोगों को आपने पिक करना है। वंस अगेन 2 to 3 इंडिविजुअल्स वंस अगेन फ्रॉम योर नेटवर्क, ठीक है। और ओके आपने जी इसी सर तरह प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करना है, आपने वंस अगेन 20 लोगों को दोबारा प्रोस्पेक्ट करना है। ये थर्ड मंथ है आपका, ओके ये 20 लोगों को आप वैसे तो दिन में तीन तीन चार चार लोगों से बात कर सकती हैं, लेकिन आई वॉन्ट कि आपको जी रिजल्ट भी मिले, ठीक जी हो गया जी। उसके बाद आ गया जी आपके पास ये ट्रेनिंग, आपने इन 2 लोगों को, 2 to 3 लोगों को आपने ट्रेनिंग दिलवानी है, ठीक है। साथ जी ये जो एक दो लोग है ना आपके पास, इनको आपने सिस्टम की पूरी अंडरस्टैंडिंग दिलवाने के बाद इनको, इनसे ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है, जी ठीक है। और इनको कहना है कि ये नए लोगों को इनवाइट करें और बुलाएं, आपने ट्रेनिंग्स खुद कंडक्ट करवानी है। अगर आप ग्रो करना चाह रही है ना मैम फरवा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जी आप खुद ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करें। ठीक है जी, जी
जी सर। ये जो दो लोग हैं कंडक्ट ट्रेनिंग बाय वन और टू कोर टीम मेंबर जो कि आपने सेकंड मंथ में सिलेक्ट किए थे, यही प्रैक्टिस आपने रिपीट करनी है फोर्थ मंथ के अंदर अपने, ठीक हो गया जी? जी। फोर्थ मंथ के अंदर भी आपने यही प्रैक्टिस जोन से रिपीट करनी है। अब आपके पास जब पांचवा महीना स्टार्ट होगा ना, तो आपके पास कोर टीम के जो मेंबर होंगे ना वो तकरीबन पांच हो जाएंगे, 5-4 टीम मेंबर आपके पास हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो चार पांच लोग हैं ना इनको आप आउट ऑफ 100 पिक कर रही हैं, 70 ये आपके पास ही लोग हैं, 10, 20, 20, 60, 70 लोगों में से आपने सिर्फ पांच लोगों को पिक किया हुआ है। इट मीन्स के ये लोगों का इंटरेस्ट हो, ये लोग इंटरेस्टेड हों, ये कुछ करना चाह रहे हों अपनी लाइफ के अंदर और ये आपको डुप्लीकेट कर सके। और अगर ये लोग सीरियस नहीं है जिनको आप एक्स्ट्रा टाइम दे रही हैं, जिनके लिए आप ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही हैं और आप उनको इस काबिल कर रही हैं कि वो भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकें, देन रिप्लेस देम। यू नीड समबडी जो कि सीरियस हो। अगर वो कंज्यूमर में रहना चाहते हैं, वो सेल्स पर्सन की कैटेगरी में रहना चाहते हैं, दैट इज देयर चॉइस। लेकिन यू नीड टू पिक सम पीपल जो कि सीरियस हैं। वो सीरियस सिर्फ तब होंगे मैम फरवा जब आप सीरियस हो। आपका कमिटेड होना, आपका डिटरमिंड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको अगर डिसअपॉइंटमेंट होगी, आप वहां पे अपना काम रोक दें, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। आप समझ रही हैं? आपको इसके मुकाबले आसान काम नहीं है जो मैं प्लान आपके लिए बना रहा हूँ, इट्स नॉट इजी, ठीक है? तो आप अगर डिटरमिन नहीं होंगी, आप खुद रेडी नहीं होंगी काम करने के लिए, आप खुद सक्सेसफुल नहीं होना चाहेंगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकती, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप होना चाह रही हैं सक्सेसफुल, आपको रास्ते में बेतहाशा फेलियर्स मिलेंगे। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगी ना, जिस तरह आप कह रही हैं ना अभी चैलेंज आ रहा है मुझे कि लोग ऑर्डर नहीं प्लेस करते, इस तरह की कई चैलेंजेस आपको आएंगे, लेकिन उनका हल होता है मैम फरवा, वो ये होता है जब आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, जब आप एक्सपीरियंस लोगों से बात करते हैं, फिर आप सीखते हैं। आपको सारे लोग कभी भी यस नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपना सक्सेस रेशियो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? आपने अपने सक्सेस रेशियो को कैसे इंक्रीज करना है, ये ट्रेनिंग जब आप साथ अपने लोगों के अटेंड कर रही होंगी सेकंड मंथ के, जब आप सिस्टम अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट मंथ में ले रही होंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगी ना, आपने पांचवें महीने के अंदर 40 रिक्रूट्स का टारगेट रखना है, 40 प्रोस्पेक्ट्स का टारगेट रखना है, ठीक है? यहाँ पे मैं 40 प्रोस्पेक्ट्स लिखता हूँ आप 5 मंथ के अंदर। मैं यहाँ पे माइक्स जो उनसे ना वो अनम्यूट हो जाते हैं, मैं एक मिनट सबके माइक्स थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता हूँ और आपका मैं अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा। और मैम फरवा का जो उनसे है ये माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम फरवा अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा जरा। जी सर, कर लिया। हाँ जी, अब किसी और का माइक नहीं चलेगा, मैंने बाकियों के थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिए, ठीक है? ताकि जो उन सबको शॉर्ट ना है और फोकस कर सके बाकी सारे लोग इस चीज के ऊपर। अच्छा, तो अब हम ये देख रहे थे कि आपने पांचवे महीने के अंदर जो उनसे 5 कोर टीम मेंबर्स आपके पास आ गए हैं और साथ आपने 40 नए प्रोस्पेक्ट किए हैं। अब ये जो 40 नए प्रोस्पेक्ट हो रहे हैं ना, ये पॉइंट के ऊपर थर्ड मंथ के अंदर, ये मैं थर्ड मंथ में एक चीज ऐड करने लगा हूं, थर्ड मंथ के अंदर आपने एक काम स्टार्ट करना है, वो ये कि गिव टारगेट टू योर टीम मेंबर्स, मींस कि आपके जो कोर टीम मेंबर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, आपने उनको टारगेट्स देने हैं। क्या टारगेट्स देने हैं? वो टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूं ना, वही टारगेट देने हैं। और एक और आपने काम करना है, वो क्या आपने काम करना है, मैं थोड़ा ये इसको चेंज कर रहा हूँ सक्सेस जर्नी को आपके, ये देखिएगा, एक और आपने काम करना है, वो ये है कि आपने इनकी गोल सेटिंग करनी है। ये जो एक दो लोग है ना आपके यहाँ पे आ रहे हैं और ये जो दो तीन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और ये आप इनको कंटिन्यूसली ऐड कर रही हैं, इन लोगों की गोल सेटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर ये लोग अपने गोल्स के पीछे जाएंगे और ये वो लोगों में से हैं जो कि एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, देन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सक्सेस। अगर आपने राइट लोगों को पिक कर लिया ना, आपका सक्सेस जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा। हो सकता है कि आप एक साल के अंदर अंदर ही अपने टारगेट को अचीव कर लें। अगर हम 6 महीने की आपकी प्रोग्रेस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है,
ये भी हम प्रोग्रेस रिव्यू कर रहे हैं, आपके 6 महीने के टारगेट और ऑनवर्ड टारगेट आपके यही रहेंगे, आपने इन प्रैक्टिसेस को रिपीट करना है इसके बाद। आपने बस ये करना है कि अपनी ट्रेनिंग्स इंक्रीज कर देनी है, लोगों को आपने इंकरेज करना है, उनके टारगेट ज्यादा से ज्यादा सेट करने हैं, और आपने जो उनसे इन्हीं प्रैक्टिसेस को रिपीट करना है, ट्रेनिंग्स को आपने रीइन्फोर्स करते रहना है। उसकी वजह यह है, ट्रेनिंग्स का सिर्फ एक फायदा होता है कि आपको सिस्टम अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जब आपको पता चल जाएगा कोर टीम कैसे बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, तो आधे मसले आपके यहाँ पे हल हो जाएंगे। सिर्फ 4 पिलर्स हैं ओरिफ्लेम के, 4, अगर आप उनको याद रखेंगी तो आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। 4 चीजों पे आपने फोकस करना है, लेकिन कुछ चीजें आप बाद में जाके फोकस कर देंगे जब आप लीडर बन जाती हैं। पहली चीज आपके पास है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रोस्पेक्टिंग कहाँ कहाँ से करनी है, प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, मैं प्रोस्पेक्टिंग के अच्छे रिजल्ट्स कैसे ले सकती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन कैसी होती है, फेस टू फेस कैसी होती है, किन चीजों में लोग इंटरेस्टेड होते हैं, किस तरह के लोग रिफ्यूजल्स आते हैं, लोगों को मैं कैसे बात करूं तुम इंटरेस्टेड हो, लर्न एवरीथिंग अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। नंबर 2, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होती है जब आपके प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं, आप ऑर्डर नहीं प्लेस करते, स्टार्टर्स बन जाते हैं, ऑर्डर नहीं प्लेस करते। एंड आई पर्सनली नो मैनी पीपल जिनके पास हंड्रेड में स्टार्टर्स आते हैं लेकिन वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि उनको रिक्रूट करने पर काम ही नहीं किया जाता। आपने सेकंड चीज जो कि रिक्रूटमेंट है यानी कि ऑर्डर प्लेस करना है, उनको सिखाना है, उसके बेनिफिट्स उनको बताने हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज क्लियर है जी सर। तीसरी चीज आ जाती है लीडरशिप डेवलपमेंट, जो कि आप यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी हैं अपने 3rd मंथ के अंदर। जब आपने गोल सेटिंग की है, ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही है और उनसे ट्रेनिंग आगे कंडक्ट करवाने के लिए कह रही है और आपने उनको टारगेट्स दे दिए हैं, 3rd मंथ में आपने ये काम भी स्टार्ट कर दिया है। प्रोस्पेक्टिंग और रिक्रूटमेंट तो आप पहले 2 महीने में भी कर रही है, लेकिन तीसरे महीने में आपने क्या काम स्टार्ट कर दिया, लीडरशिप डेवलपमेंट। ये तीसरा होता है ओरिफ्लेम का इंपॉर्टेंट पिलर। चौथी चीज है आपका कीपिंग योर नेटवर्क एक्टिव। जब आप एक्टिविटीज कंडक्ट कर रही हैं, ट्रेनिंग्स आप इवेंट्स लाइव होल्ड कर रही हैं, आप लोगों के साथ इन टच है, उनके साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है, तो चौथा काम आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कीपिंग योर नेटवर्क एक्टिव। लेकिन अगर आप सो जाएंगी, आप रिलैक्स कर जाएंगे, आप कहेंगे चलो मैं 2-3 महीने की ब्रेक ले लेती हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा लैग आ जाएगा। आपके सारे लोग जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, उनको नहीं समझ आएगी, वो लॉस्ट हो जाएंगे, आप अपना ट्रैक खो देंगी। फर्स्ट आप अपना सक्सेस जर्नी गोल्ड डायरेक्टर तक का या 2 लाख की इनकम तक का आप हासिल कर लें, उसके बाद आप थोड़ी सी ब्रेक ले लें और फिर दोबारा से आप काम स्टार्ट कर सकती हैं। ये इस दौरान आपको बहुत सा फ्री टाइम भी मिलेगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकेंगी। अगर आप और डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, आप उनको भी देख सकती हैं साथ साथ, लेकिन ये चीजों को इंश्योर करें जो मैंने आपको बताई हैं। 6 मंथ्स के अंदर आपकी प्रोग्रेस ये होनी चाहिए कि आपके पास आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर, ये फर्स्ट लाइन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर कम से कम आपके पास 25 लोग होने चाहिए जो कि एक्टिव। इन 25 एक्टिव लोगों में से, एक्टिव ये 3 और 6% वाले भी हो सकते हैं, ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, इन 25 लोगों में से कम आपके पास 6 कोर टीम मेंबर्स हो, ठीक है। आपने अपना जो मिड टर्म टारगेट है वो ये सेट करना है जी। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक हो गया। क्यों, ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ना, जब आप 6वें महीने में इस चीज को अचीव कर लेंगी ना, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपकी इनकम 2 लाख के आसपास हो। सही, ठीक हो गया जी। अब आपने यही चीजों को जो मैंने आपको पहले 6 महीने में बताई हैं, इनको अगले 6 महीने तक रीइंफोर्स करना है और आपका टारगेट एवेंचुअली ये जो आपका है 2 लाख रुपए इनकम का, ये अचीव हो जाएगा। दिस इज फॉर श्योर, दिस इज गारंटेड। आपको पता है कि ओरिफ्लेम में लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? जी सर। डू यू नो दैट? नहीं, आप बताएं। लाइफ में भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते कभी भी जो कि एक्चुअली खुद कोई काम नहीं करते। ख्वाब देखना बहुत आसान होता है, मकसद बनाना बहुत आसान होता है, गोल सेट करना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है काम करना और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, स्पेशली जब आपको एकदम रिवॉर्ड नहीं मिलता उसका, ठीक है। जैसे कि आपने अभी बताया है कि आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको उसका रिवॉर्ड अभी नहीं मिल रहा। आप कहेंगे मैं मेहनत भी कर रही हूँ और मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और ये पहले महीने में आपको एकदम रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इसका। आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा आपके 3rd और 4th मंथ से, लेकिन पहले 2 महीने जिस तरह मैं आपको काम कह रहा हूँ उस तरीके से आप काम करें।
आई कैन गारंटी यू। और आपने ना एक काम और करना है यहाँ पे, ये जो मैं गोल सेटिंग कह रहा हूँ ना, ये वाली गोल सेटिंग आपने जिस तरीके से मैं आपकी कर रहा हूँ ना अभी, कि आपका मकसद क्या, आपका पर्पस क्या है, ठीक है, ये आपने अपने लोगों की भी करनी है गोल सेटिंग। जब आप एक दफा ये कर लेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। एक अकेला 2-11 वाला हिसाब है जी, आपके कोर टीम मेंबर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज आप साथ कर सकती हैं, वो ये कि आप ऑब्जर्व करें कि मैंने 20 लोगों को अगर रिक्रूटमेंट करनी है, उनको टारगेट में रखना है, तो मैंने कितने लोगों को अप्रोच करना है, ठीक है। हो सकता है आप 20 को टारगेट कर रही हैं, तो आपके इनमें से 10 हो रहे हो सक्सेसफुल इवेंचुअली। आप 20 को टारगेट रखेंगे, प्रोस्पेक्ट ये वो बने याद रखेंगे जिनको आपने रिक्रूट में कन्वर्ट करना है। हो सकता है इनमें से 10 हो रहे हो, लेकिन अगर ये 10 भी हो रहे हैं, स्टिल यू आर ऑन सक्सेस पाथ। आपके पास 6 महीने में एटलीस्ट 25 लोग ऐड हो जाएंगे। अगर आप 70 का टारगेट रखेंगे ना, कि मैंने इतने लोग जो उनसे हैं फर्स्ट टाइम के अंदर अपने ऐड करने हैं 6 महीने तक, तो आपको आराम से 25 लोग तो मिल जाएंगे। और हो सकता है आपके 6वें, 7वें, 8वें महीने में 2 लाख इनकम हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हमने क्या चेक किया था सबसे पहले फैक्ट बेस के ऊपर, कि 35 लोग अगर आपके पास 3 और 6% वाले होते हैं, तो आपकी इनकम 2 लाख प्लस होती है, और आप 21% provided you are on 21%, या 8 से 10 लोग अगर आपके 12% अबाव है, तो भी आपकी इनकम 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द टारगेट, आप इसको अचीव करके देखें, इसके ऊपर काम करके देखें। ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्सेसफुली कर देंगी ना, दिल से सक्सेसफुल होने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला आप अगर अपने टारगेट को ओवर अचीव नहीं करेंगे, तो आप उसे बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होंगे 2 लाख इनकम, ठीक है। और उसके बाद ये इनकम रुकती नहीं है। इसके बाद भी आप जब भी कोई भी एक नया शख्स 3 और 6% वाला ऐड करेंगे, तो आप वंस अगेन 3,000 से 6,000 से 8,000 रुपए तक आपके पास हर बंदे के साथ ऐड होता जाएगा फर्स्ट टाइम। तो ऑलवेज कीप प्रोस्पेक्टिंग, इससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज योर सक्सेस जर्नी जो कि हमने बनाया है। यहाँ पे आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लमसम अमाउंट चाहिए, तो फिर आपको मंथली इनकम इतनी चाहिए जिससे आप सेविंग कर सकें। वंस अगेन, ओरिफ्लेम में कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। ओरिफ्लेम के अंदर एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए सक्सेसफुल लोग, हार्डवर्किंग लोग, लाइफ में जो एम्बिशियस लोग हैं, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक हो गया। इट्स नॉट ईजी मनी, दिस इज हलाल मनी, जिसमें यू वर्क हार्ड एंड देन यू गेट पेड फॉर दैट। लेकिन इसमें जो ऑप्शन और इसके जो पर्क्स है, उसको आप किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको मिलती है, जो आपको फ्रीडम मिलती है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं करता, आप सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ये सारी पर्क्स आपको और किसी बिजनेस में इस तरह के नॉर्मली नहीं मिलते, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आए हैं किसी के भी। मैम फरवा, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? आपका माइक म्यूट हो गया। अच्छा रुकिएगा, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ, और बाकी सबको भी माइक अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, ठीक है जी। लेट मी अनम्यूट ऑल द माइक्स। अब आप बारी बारी क्वेश्चन रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के कैमराज ऑन है, अनइंटेंशनली बाज का कैमराज ऑन रह जाते हैं, उनको काइंडली आप चेक करके ऑफ कर दीजिएगा। कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करें, क्रॉस करें, तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क दोस क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपका नाम नहीं देख पा रहा। इकरा यूसुफ। मैं मिक्रा जी मैं मिक्रा बोलिएगा जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जिस तरह से आपने इस ट्रेनिंग के स्टार्ट में बताया था कि जो रिक्रूट्स हैं, ठीक है जी, उनको हमने जो है वो क्वालिफाइड किस तरह से करना है। एक तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि आपने कहा था मैं इस ट्रेनिंग के एंड में बताऊंगा, और दूसरी चीज जो आपने बताना थी, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी बेसिकली, कि हम जो है वो रिक्रूट तो कर लेते हैं, लोग ज्वाइन भी हो जाते हैं, लेकिन मेन मसला हमें ये आ रहा होता है कि हम उनको स्टार्ट कहाँ से करवाएं। क्योंकि जैसे ही हम उनको बीपीएस समझाते हैं, हम उनको 20% डिस्काउंट समझाते हैं, सेल्स एक्शन समझाते हैं, उसके बाद कुछ लोग वो ये कहकर चले जाते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, हमसे नहीं होगा, मतलब ये सर कपाई वाला काम है, हमसे नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड कर दें कि जो है वो किस तरीके से उनको गाइड करना चाहिए, और दूसरा कि उनको क्वालिफाइड किस तरह से बनाना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स को समझना है।
वंस अगेन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग अभी तक नहीं ली वो जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि आपको प्रोस्पेक्टिंग का पता चले, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है जिन्होंने नई ट्रेनिंग ली, और अगर ली भी हुई है तो दोबारा एक दफा ले लें सेशंस ताकि आपको आइडिया होता जाए कि किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अब एक कॉमन चैलेंज जो कि बहुत सारे लोगों को आता है जब वो किसी को ज्वाइन करवा लेते हैं ये कह के कि फ्री मेंबरशिप है, आपको भी कोई पैसे पे नहीं करने, तो आईडी कार्ड वो दे देते हैं और आप उस शख्स को ज्वाइन करवा लेते हैं। आपको ऐसे लोग नहीं चाहिए और हमें भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि रजिस्टर कर लें और वो लाइफ में सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन ओरिफ्लेम के साथ रजिस्ट्रेशन करें। वी डू नॉट नीड सच पीपल। मैं आपको सबसे पहली रिक्वेस्ट ये करूंगा सिर्फ उन लोगों को रजिस्टर करें जो कि एक्चुअली या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या फिर वो लोग एक्चुअली बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आपके पास आपकी अप्रोच ये होगी कि आपने दूसरे शख्स को हेल्प करना है, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, या आपने उसको कोई उसकी प्रॉब्लम का सलूशन देना है, मींस कि अगर उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई नीड है उसकी, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं और आपकी इंटेंशन ये है कि आप उसको हेल्प आउट करें, ठीक है, और आप उसकी नीड के मुताबिक उसको चीज रिकमेंड करें, तो आपका इंपैक्ट और आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस चीज पे जाएंगे कि मैं अपनी सेल कर लूं, मैं अपनी प्रोडक्ट और अपना टारगेट पूरा कर लूं, तो फिर आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक ही वो कहते हैं ना कान को इधर से या उधर से पकड़ने वाली बात है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन दूसरे के फायदे की होगी तो दूसरा आपकी बात मानेगा, यानी कि नया आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात मानेगा। आपको लोगों को अपनी टीम का या नेटवर्क का हिस्सा बनाने से पहले या ज्वाइन करवाने से पहले उनके साथ वन टू वन डिस्कशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। कल की पूरी ट्रेनिंग में हमने इस चीज को डिस्कस किया कि आप किस तरीके से अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साथ, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट पे आते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोडक्ट विद एनीवन। जब भी आप किसी नए शख्स से बात करते हैं उसे एक कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करें। कॉम्प्लीमेंट्स मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लैटर करें, ये नहीं है कि दूसरे ने टूटी हुई जूती पहनी और आप क्या वाह 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 आपकी जूती तो बहुत अच्छी लग रही है आप आज। कोई अच्छी चीज आइडेंटिफाई करके उसकी तारीफ करें और उस कॉम्प्लीमेंट से बात स्टार्ट करें, इसका आपको फायदा होगा। सेकेंडली दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, वो क्या चाहता है। अगर तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो बिजनेस भी नहीं करना चाहता, या वो ये चाहता है कि बस मेरी लॉटरी लग जाए, मैं मेहनत ना करूं और मुझे उसका सिला मिल जाए मेरे काम का, सो वी डू नॉट नीड सच पीपल। आप समझ रही हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप यकीन करें कंपनी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे लोगों को उनके ऊपर टाइम वेस्ट करे रादर देन दोस पीपल जो कि लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा अपना टाइम सेव करें, बातचीत करें लोगों के साथ, आइडेंटिफाई करें, ऑब्जर्व करें कि लोग एक्चुअली जोन से हैं, कौन से आपके कंज्यूमर्स हैं, कौन से सेल्स पर्सन है और कौन से बिजनेस पर्सन है। वन टू वन सेशन के बगैर आपको नहीं पता चलेगा कौन है। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस भेजकर रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे तो रिक्रूटमेंट का रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, और मोस्टली लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं। आई नो कि हम घर की रूटीन के अंदर बहुत बिजी होते हैं एट टाइम्स, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, हमने बिजनेस को एक्सपैंड करना है अपने, तो फिर हमें एक्चुअली कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें हमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसमें हमें प्लानिंग के साथ वन टू वन बात करनी पड़ेगी लोगों के साथ, उनसे पूछना पड़ेगा व्हाट डू एक्सपेक्ट, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। इस चीज के बारे में आप उनसे पूछे बगैर उनको रिक्रूट नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जाए, रोज का एक शख्स आप रिक्रूट करें, उसे टाइम दें, सिर्फ एक बंदे को टाइम दें और आप यकीन करें स्काई इज द लिमिट, आप कितना ग्रो कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू कि आपको आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि आपने अभी तक वो चीज हाइट देखी नहीं है। मेरे पास इंटरनेशनली लोगों के स्टेटिस्टिक्स हैं कि किस तरीके से लोग ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है डिफरेंट हमारे नेबर कंट्रीज के लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने अपने नेटवर्क को टीम बनाई हुई है। तो व्हाई डोंट यू डू दैट। आपके पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारा पोटेंशियल जोन्स है, इसको भी हम कैश कर सकते हैं, सिर्फ तरीके से आगे जाएं। गलत इंफॉर्मेशन ना दें, सबसे पहली चीज है सीख लें।
सीखने के बाद जब आप सिखाते हैं, ये जो प्लान मैंने अभी बनाया है ना, आप यकीन करें आपको अगर सिस्टम पता हो आप इससे भी बेहतर प्लान शायद बना लें। क्यों? क्योंकि आप रियल ग्राउंड्स के ऊपर लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सिस्टम फर्स्ट, प्रोडक्ट फर्स्ट, एंड देन यू कैन रिक्रूट पीपल इन अ राइट वे, फिर वो आपका ऑर्डर भी प्लेस करेंगे। वंस अगेन इंटेंशन छोड़ दें कि आपने लोगों को ज्वाइन करवाना है, आपने लोगों को ज्वाइन करवाने की रीजन याद रखिएगा। वो लोग जो के कहते हैं ना, हमें ओरिफ्लेम बहुत अच्छा लगता है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, तो आप उनको फ्री प्रोडक्ट्स बताने की, हासिल करने की भी ऑप्शन बता सकते हैं। आप उनको एज अ सेल्स पर्सन यूज कर सकते हैं, आज के सेल्स पर्सन कल के आपके कोर टीम मेंबर बनते हैं, ठीक है। जब उनको बेनिफिट्स पता चलेंगे ना, कि अगर आप 20% इमीडिएट प्रॉफिट के ऑप्शन उनको दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं 10,000 का ऑर्डर लाएं, ये आपको सेल्स एक्शन में दे दूंगी, ठीक है, मैं आपको वेलकम प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, आप 10,000 रुपए का ऑर्डर अपने सोशल सर्कल से इकट्ठा करें बस फिलहाल, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते। कल को वो लोग पूछेंगे आप इतना कुछ मुझे देती हो, आपको क्या मिलता है, फिर आप उनको अपनी कोर टीम में हासिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपना एटीट्यूड हमेशा ठीक रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। लोगों को सख्ती पसंद नहीं है। जिस तरह आप लोगों को अगर जबरदस्ती ट्रेनिंग्स में बुलाया जाए तो आप भागेंगे ट्रेनिंग से, आप क्योंकि यार मैंने, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फ्री ऑप्शन मिलेगी, ये अच्छा मैं ज्वाइन कर लूँ ना कर लूँ, तो मेरे पास चॉइस है और मुझे पे प्रेशर भी कोई नहीं डाल रहा और मेरा फायदा भी है इसमें, तो आई कैन डू दैट, मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रेशराइज करेगा तो आपका काम करने का दिल नहीं करता। ठीक इसी तरह बाकी के लोग भी हैं, जब आप उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्ट करते हैं और उस शख्स के साथ ऑप्ट करते हैं जो कि उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, ठीक है। तो आप उनको चॉइस दें, ओपन ऑप्शंस दें उनको, कि यू डिसाइड, आई हैव ऑल दीज ऑप्शंस, ये कैटलॉग, ये बिजनेस प्लान, ये सारी ऑप्शंस है मेरे पास अवेलेबल, इट्स योर चॉइस, नहीं भी करना तो इट्स फाइन, आई डोंट नीड यू इफ यू डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। ये कहने की जरूरत नहीं है आपको उनको, लेकिन आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उनको जो उनसे, देखिए आपको किसी के मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं है, आपको उनको सिर्फ गाइड करना है और विद दिस इंटेंशन कि वो शख्स के लिए आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। प्रॉबेबली आज आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, कल को वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। और प्लेसिंग एंड ऑर्डर की डिटेल्स बताएं उनको, उनको बताएं जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, देयर इज नो फोर्स, आपने अगर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना आपकी मर्जी है, अगर आपने 10 बीपी का ऑर्डर प्लेस करना है तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं ना, आप ऐसे बेनिफिट्स को जो कि वंस इन लाइफ टाइम मिलते हैं आपको, उनको अचीव करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, तो फिर 100 बीपी का ऑर्डर इकट्ठा करें। और बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं आपने 100 बीपी कैसे करनी है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ खुद खरीदने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपने घर की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें पहले। अगर आप शैम्पू यूज कर रही हैं किसी कंपनी का, ट्राई ओरिफ्लेम शैम्पू, ऑलरेडी ले रही है ना आप कहीं का, आपको हो सकता है अपेरेंटली थोड़े ज्यादा आपको पैसे लगे कि ये 100 रुपया महंगा है, 200 रुपया महंगा है, लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस देखें, दुनिया की टॉप ब्रांड्स में आता है ओरिफ्लेम का शैम्पू या ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स, ठीक है। हेयर टाइप के मुताबिक उनको शैम्पू रिकमेंड करें, उनको बताएं कि आज के टाइम के अंदर पाकिस्तान में जेन्युइन चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं मार्केट में, और ओरिफ्लेम आपको गारंटीड जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफर करता है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, डायरेक्टली इम्पोर्ट होकर ऑफिस से आपको सामान डिलीवर होता है, तो इसके अंदर कोई दो नंबरी का चांस ही नहीं है। तो आप उनको ये बेनिफिट्स बताएं, उसके पॉक्स बताएं, और उनसे कि अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें, उनसे कि फायदा ये होगा कि आपको ऑटोमेटिकली अपेरेंटली भी हो सकता है 100-200 रुपए ज्यादा भी लग रहा हो, लेकिन आपको बेनिफिट कितने मिल रहे हैं उनको बताएं, सेल्स एक्शन का बताएं, उनको बताएं वेलकम प्रोग्राम का, उनको बाकी बेनिफिट्स बताएं, उनको कि आप ये प्रोडक्ट अपनी फैमिली के अंदर भी जोन है वो प्रमोट कर सकती हैं, अपनी फैमिली के अंदर कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने एक फैमिली को अवेयरनेस दें इसके बारे में, उनको कि 100 बीपी, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूं, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये महीना स्टार्ट हुआ है ना, पहला दिन जब चढ़ा है, जब मैंने पहली दफा सिस्टम को देखा था, देयर वर मल्टीपल पीपल जिनके 10,000 बीपी हो गए हुए थे, आप समझ रहे हैं, जब हमने 1 बजे सेल ऑफर ओपन की है ना मंथ के अंदर, इस मंथ के अंदर एलसी हुई थी, स्टार्ट फर्स्ट थी, 1st of October था, 1 बजे ऑर्डरिंग ओपन की है, तकरीबन शाम को मैंने देखा है 6-7 बजे ना, देर वर मल्टीपल पीपल जिनके 10,000 बीपी हो गए हुए थे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट योर पैशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इस स्टेप्स में जाएंगे तो आपको मैम इकरा,
आपको कभी भी ऑर्डर प्लेस करवाने के प्रॉब्लम नहीं आएगा, ट्रबल नहीं आएगा। लोगों के फायदे की दिल से बात करें, फॉरगेट अबाउट कि आपको कितने बीपीज मिल रहे हैं, आपके बीपी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे आपको और आपको सक्सेस भी मिल जाएगा। आई टेक वन और टू मोर क्वेश्चन, अगर आपके कोई क्वेश्चन है यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। I'll take two questions, ठीक है? क्योंकि मेरे पास I have some other things to do as well. तो मैं सिर्फ दो questions लूँगा। अभी मैं मलीजा ने बात किया, मैं मलीजा आप बात करें, इसके बाद मैं एक question और लूँगा। And don't worry, अगर आपका question आने address भी रह जाता है, मैं कोई भागने नहीं लगा। I have couple of I have two sessions every day basically, so you can join on. जी बोलिएगा। ओके सर, मेरा क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टिंग के अबाउट कुछ बता दें कि आपने कहा कि प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग्स लें आप, ठीक है, बट वो ट्रेनिंग कहाँ से मिलेंगी ये बता दें और हम किस तरह से कर सकते हैं इसके अबाउट थोड़ा सा गाइड करें। जबरदस्ती मैम मलीजा, एक मैं आपको टिप दे दूंगा और दूसरा वंस अगेन कैलेंडर आप लोगों के साथ शेयर है मेरे। अगर आप V4 सिस्टम लॉग इन करते हैं ना, तीनों रीजन का कैलेंडर उसमें अपडेटेड है। नॉर्थ रीजन में भी आप कनेक्टेड हैं, उमेर मेरा नाम है, नॉर्थ रीजन का कैलेंडर वहां पे अपडेटेड है। आप वहां पे अगर मेरा कैलेंडर देखते हो, उसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग का डेफिनेटली किसी ना किसी दिन फ्रेंड सेशन अपडेटेड होगा और उसका साथ ही लिंक भी मेंशन होगा। अगर आपके पास नहीं है, अपने लीडर से कॉन्टेक्ट करें और आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इट्स अवेलेबल फॉर एवरीबडी बेसिकली। तो अगर आप जो प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग अटेंड करना चाह रही हैं तो वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। सेकेंडली अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँ, जब तक आप वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करती, मैम मलीजा याद रखिएगा, अगर आप किसी को अपने साथ ज्वाइन करना चाह रही हैं, आप इंस्पायर करना चाह रही हैं, अगर आप टेंशन में होंगी, अगर आपके फेस एक्सप्रेशन कंफ्यूजिंग होंगे, अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपकी आवाज प्लेजेंट नहीं होगी, आपकी टोन पोलाइट नहीं होगी, तो दूसरा शख्स आपकी तरफ कभी भी नहीं आएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप एक्साइटेड होंगी किसी प्रोडक्ट, इंटरेस्ट लेके बताएंगी किसी चीज को, दिल से बताएंगी किसी चीज को, तो दूसरा शख्स ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनेगा भी। फिर वंस अगेन गिव देम फ्रीडम ऑफ चॉइस, गिव देम फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन अपने फुल पैशन और इंटरेस्ट के साथ बताएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूं, मैम मलीजा आपने वो मस्कारा ट्राई किया है जो ओरिफ्लेम का नया आया है, जो उनसे ओरिफ्लेम का अब वो नया है या नहीं है, लेकिन इन योर वॉइस इफ देयर इज एक्साइटमेंट, दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली जो उनसे वो एक्साइट होगा, वो कहेगा यार मस्कारा पता नहीं क्या है, हो सकता है उस टाइम ना ले, लेकिन बाद में सोचेगा जरूर कि मैम मलीजा इतनी एक्साइटेड क्यों थी यार, ऐसा क्या मस्कारे के अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ड्राइव थिंग्स। ये सेल्स टैक्स होते हैं जो कि हमने अपनी सेल्स की ट्रेनिंग में देखे थे। तो यू आर बिजनेस पर्सन बेसिकली, आपने अपने बिजनेस को ड्राइव करना है, तो यू नीड स्ट्रेटजी फॉर दैट एज वेल, आपको हर चीज की स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। तो ट्राई टू टेल थिंग्स विद एक्साइटमेंट, और जो मैंने पहले चीजें बताई वो इम्प्लीमेंट करें, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा जी। आई टेक वन मोर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैम नेहा आपको स्लाइड पे अस्सलाम वालेकुम जी। सामने बिलाल रफीक साहब बोल रहे हैं, मैम नेहा स्लाइड से कौन बोल रहे हैं? बिलाल रफीक साहब जी। जी सर। अच्छा मैम नेहा, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि शोर आ रहा है थोड़ा सा। बिलाल रफीक साहब सर आप बोलिए। सर मेरा लेवल इस वक्त जो है सीनियर मैनेजर हूँ और डाउनलाइन में भी माशाल्लाह गोल्ड डायरेक्टर रैंक के एक लाइन में ओपन हो चुके हैं। तो मुझे आज का सेशन जो है बहुत जबरदस्त लगा और नई चीजें सीखने को मिली हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिसमें मैं थोड़ा सा अटक रहा था। तो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग ट्रेनिंग सर। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आपको कामयाबी अता करे जी। जी शुक्रिया। क्वेश्चन था किसी का? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आई सेड के वन क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन जी। शोर आ रहा है आवाज में थोड़ा सा, आप बोलिएगा। थोड़ा सा शोर आ रहा है, मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि कौन बात कर रहा है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो शायद थोड़ा सा शोर आता है। मैम शाइबा सिद्दीकी बात कर रही हैं? शाइबा
I'm sorry, थोड़ा सा noise आ रहा है. चले जी, no problem. It is wonderful to see you all here. I hope के maximum लोगों के questions address हो गए हैं और आज की training में जो चीजें सीखी हैं उनके ऊपर focus रखें. I know there are multiple things जो कि आपके mind में होती हैं, at times zones है, आप उनको पूछना चाह रहे होते हैं और आप नहीं पूछ पाते, या बहुत सारे क्वेश्चन आपके अनएड्रेस रह जाते हैं, उनका थोड़ी देर फोकस छोड़ के जो चीजें अवेलेबल होती है ना सीखने के लिए उनके ऊपर जरूर फोकस करें आप, और उन चीजों को सीखने की कोशिश करें आप जितना सीख सकते हैं. बाज़ुकात आपने जो क्वेश्चन कल को करने होते हैं उनका जवाब आपको आज मिल रहा होता है, तो अगर आप चीजों को सीखने पे फोकस कर लेंगे आप प्रॉपरली वे में आगे जाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी. ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, लेकिन डोंट वरी, विल स्टे इन टच, और मेरे पास 3 बजे दोबारा सेशन भी आएगा, तो डू अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स. हो सकता है कुछ ट्रेनिंग्स आपको ड्राई लगें, कुछ बोरिंग लगें, कुछ आपको फायदा दें, कुछ आपको फायदा ना दें, लेकिन अटेंड ऑल ऑफ देम क्योंकि इसमें आपका मैक्सिमम बेनिफिट है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग. अगर किसी का भी वंस अगेन क्वेश्चन अनएड्रेस्ड रह गया डोंट वरी जी, ठीक है, वी आर हियर विद यू. थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़ जी, टेक केयर. हेलो, सलाम. जी जी, वालेकुम सलाम. हेलो जी जी, बोलिएगा. मैं निधा बात कर रही हूँ. मुझे स्टॉक बिल्कुल ही कम है सोप के लिए, इतना यानी कि लोग बोल रहे हैं कि हमें सोप चाहिए लेकिन स्टॉक में है ही नहीं, न्यू स्टॉक कब आएगा? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ और इसका बड़ा लंबा आंसर है बेसिकली, लेकिन अब चूंकि मैं एंड कर रहा था सेशन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ. इसमें जो उनसे है बेसिकली स्टॉक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा. ठीक है, हमें अभी भी चैलेंज आ रहा है आपके सामने, प्राइस हो रही है, लास्ट मंथ में ज्यादा चैलेंज था, इस मंथ में भी चैलेंज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंज बेहतर होता जाएगा. लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट तब से ये है कि आप लोग जो उनसे है ना वो जो अवेलेबल ऑप्शन है ना उन पे ज्यादा फोकस करें. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोप का कस्टमर है ना और रेगुलर है तो दैट इज वंडरफुल, लेकिन अगर इनकेस आपके पास सोप नहीं है तो आप उनको दूसरी ऑप्शन भी बताएं. इसका फायदा ये होगा कि हो सकता है वो दूसरी प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड हो जाए. सोप नहीं है, शैम्पू बताए, शैम्पू नहीं है, कोई आउट ऑफ ब्लू ज्वेलरी के बारे में दे रहे हैं, लेकिन वो हर चीज दे रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमें स्किन के हिसाब से ना हमें एडजस्ट हो गया तो हमें सोप ही चाहिए. जबरदस्त हो गया, उनको क्या डेफिनेटली देंगे, इसकी बहुत डिमांड है, इस टाइम खत्म हुआ हुआ है, जैसे ही आएगा मैं कोशिश करूंगी आपको दे दूं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ज्यादा इसकी डिमांड है कि वो जब आता खत्म हो जाता है और लोग इसके जा रहे हैं. आप उनको बताएं कि हमारे पास और कुछ ऑलरेडी और हॉट प्रोडक्ट्स भी हैं और ऐसी मार्केट की प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर आप चाहती हैं वो बता दूं इससे पहले कि वो भी खत्म हो जाए तो आप उनकी तरफ फोकस कर लें, फिर उनको कुछ चीजें रिकमेंड करें, अगर वो ले लेती हैं अच्छी बात है, अगर नहीं लेती तो भी इट्स फाइन, और फाइंड न्यू पीपल. ठीक है जी, ठीक जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल जी, फीमा निल्ला, अल्लाह हाफिज़.